तो सरकारी गाड़ी मिल रही है तो ड्राइवर भी मिलेगा। देखो सिविल जज, कई ऐसे सिविल जज हैं इनके पास फॉर्चूनर है, 50 लाख की लेजेंडर आती है शायद, वो है तो ट्रेनिंग में ऑडी लेके आए नई खरीद के। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की कार। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाला था, शॉर्ट था, 15-20 सेकंड का था, गाड़ी की फोटो आ रही होगी, इसका डाला था मैंने वीडियो। तो लो, काफी महंगी गाड़ी है, आप लोग कमेंट करके बताना कितनी महंगी गाड़ी है, शायद करोड़ की, 80-90 लाख की आती होगी। मुझे गाड़ी की इतनी नॉलेज है नहीं, इसलिए रेट नहीं बता सकता मैं, पर इतना पता है, ब्रांड जानता हूँ कि महंगी गाड़ी है। तो ये मैंने डाला था तो लोगों के मन में डाउट आया कि इतनी महंगी गाड़ी सिविल जज ले सकता है क्या। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें जेएम भी आते हैं, एसीजेएम भी आते हैं, सीजेएम भी आते हैं, एडीजे भी आते हैं, डीजे भी आते हैं, सबकी बात करेंगे। और मैं आपको यही बताऊंगा सरकारी गाड़ी कौन कौन सी मिलती है राजस्थान में, और वैसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं। सिविल जज की फैसिलिटी बताइए, सैलरी बताइए, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे सिविल कार वार मिलती है क्या नहीं मिलती, सिविल जज को फैसिलिटी है क्या, तो लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां पे अधिकारी से बात करी थी तब जाके वीडियो बनाया था। अब पहले बात कर लेते हैं कि सिविल जज को सरकारी गाड़ी कौन कौन सी मिलती है राजस्थान में। देखो सरकारी गाड़ी का ऑप्शन नहीं है, हर किसी को सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। सीजेएम साहब को मिलती है और प्रिंसिपल डीजे साहब को मिलती है और ग्राम न्यायालय में मिलती है। तो सरकारी गाड़ी मिल रही है तो ड्राइवर भी मिलेगा, इनको मिलती है और सबको पूल फैसिलिटी है, पर बहुत कम लोग ही लेते हैं पूल फैसिलिटी, सब अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं। पेट्रोल का पैसा मिलता है, कितना मिलता है लिंक में जाके देखें आप, सारी स्टेट कवर कर, इतनी सारी स्टेट कवर कर रखी, कितना पेट्रोल का पैसा मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर मैं जाऊंगा नहीं पेट्रोल कितना मिलता है, बट आप पेट्रोल का पैसा मिलता है। और गाड़ी कौन सी मेंटेन करता है अगर सरकारी गाड़ी नहीं मिल रही तो? देखो सिविल जज, कई ऐसे सिविल जज हैं इनके पास फॉर्चूनर है, 50 लाख की लेजेंडर आती है शायद, वो है और वीआईपी नंबर भी है उसमें। और ऐसे भी मैंने देखा है सिविल जज जो ट्रेनिंग में ऑडी लेके आए नई खरीद के। अब देखो क्या होता है, जैसे ही अपन बोलते हैं ना सिविल जज या जज, तो लोगों के मन में आता है कि एजेड होगा, बड़ा होगा, बट आज के टाइम पे क्या हो गया, सिविल जज यंग आ रहे हैं, 21 साल के भी सिविल जज बन रहे हैं, 25 साल के भी बन रहे हैं, 30 साल के भी बन रहे हैं, तो यंग है तो उनकी सोच अच्छी हो, मतलब गाड़ी अच्छी लेने की होती है, उनका होता है मन में, जैसे यंग एज वाले लेते हैं कि गाड़ी अच्छी आ जाए, महंगी गाड़ी ले लें, सबके मन में रहता है अपना, पर डिपेंड करता है। कई ऐसे सिविल जज हैं जो ऑल्टो लेके भी आता है, वो उनकी इच्छा के ऊपर है वो गाड़ी कौन सी लेके आता है उनके, वो लेना चाहे तो महंगी गाड़ी भी ले सकता है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या रहता है, उनको हाईकोर्ट को बताना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, हाईकोर्ट को भेजना पड़ता है कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, वो परमिशन आ जाती है, परमिशन आ ही जाती है अगर आप सोर्स लीगल बता रहे हो अपना, कोई दिक्कत नहीं आती, डाउन पेमेंट हो जाता है, आजकल किस्त बन जाती है, और सैलरी काफी अच्छी है सिविल जज की। गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छी सैलरी एक सिविल जज की ही है, अगर आप मतलब जितनी भी आईएएस भी, आईएएस को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना सिविल जज को मिलता है। मैंने कंपेयर वीडियो भी बना रखा आईएएस वर्सेस सिविल जज, प्रॉपर बेसिक बेसिक सब कुछ कंपैरिजन बताया, आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जाओ देखो, बहुत सारे वीडियो हैं सिविल जज के ऊपर, तो आप लोग देखो वीडियो को एंजॉय करो। और तो मैं तो आपके जो भी डाउट है ना मैंने आपके क्लियर कर दिया, सिविल जज कोई सी भी गाड़ी ले सकता है, ऑडी भी ले सकता है, फॉर्चुनर भी ले सकता है, जो ये फोटो है ये भी सिविल जज की गाड़ी की है। तो देखो जो भी आपके डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर जाना, और फिर भी कोई डाउट हो मैसेज करना। आपसे मिलेंगे अगले